देपालपुर क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र की सामाजिक व शैक्षणिक संस्था देपालपुर विचार मंच द्वारा शनिवार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए देपालपुर विचार मंच के प्रमुख कमल सिंह डाबी ने बताया कि देपालपुर क्षेत्र के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की थल सेनाएं, वायु सेनाएं, नौसेना में सैनिक बनने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने हेतु द रॉयल एकेडमी बेटमा रोड देपालपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार अष्ठाना ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बातें कहीं। अन्य मंचासीन पदाधिकारियों ने युवाओं को लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के बारे में जानकारी दी। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। देश के फौज में देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन अलग अलग मंचों से इस देश के युवाओं की बात करते हैं, जो तकरीबन 65 करोड़ हैं। लेकिन यही हमारी ताकत है, यही हमारी सबसे कमजोरी है। और सबसे बड़ी कमजोरी है कि इस देश की सेना में 15,000 अधिकारियों की कमी है। तो किस तरह से युवाओं को प्रेरित किया जाए, जानकारी दी जाए, जिसके कारण जानकारी के अभाव में उन्होंने फौज में करियर नहीं बनाया, ऐसा न हो, इसलिए मैंने देपालपुर को चुना। और भी छोटे छोटे जगह में नियमित जाना जाता रहता हूँ। विवेकानंद करियर काउंसिल के माध्यम से भी बहुत जगह, बहुत छोटे से। अभी तक आप कितनी जगह जा चुके हैं इस प्रकार के? गिना नहीं है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कम से कम 25-30 जगह तो जा ही चुका हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इंदौर के अंदर तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल विद्यालय में जाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।